आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास कोई अगर पीडीएफ फाइल है तो उसमें हम लोग साइन यानी डिजिटली साइन कैसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे। देखिए, हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है और इस पीडीएफ फाइल में हम लोग साइन को ऐड करेंगे डिजिटली। देखिए, ये पीडीएफ फाइल है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पे या नीचे साइड में यहाँ पे मुझे साइन की ज़रूरत है, तो मैं साइन को कैसे ऐड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में चले आएंगे और यहाँ पर एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे आई लव पीडीएफ, तो आप यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही ये फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई लव पीडीएफ का ये पेज दिखाई देगा। अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और इसमें आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास ये देखिए साइन पीडीएफ करके ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको साइन ऐड करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ है, ये पीडीएफ फाइल है हमारे पास। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ ही फ्रेंड्स इस तरह का विंडो आपको दिखाई देता है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ओनली मी किया हुआ है और यहाँ एक है रिक्वेस्ट सिग्नेचर का, तो आप ओनली मी में क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा साइन यहाँ पे दिया जाना है। और किसी और व्यक्ति का साइन अगर आपको देना है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं ओनली मी पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे इस तरह का कस्टमाइज योर आइडेंटिटी ये एक विंडो आया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए फुल नेम के पास आप यहाँ क्लिक करेंगे और अपना नाम टाइप करेंगे। सपोज़ मैं नाम टाइप करता हूँ VISHWAJEET, या फिर इसको स्मॉल में ही टाइप करता हूँ VISHWAJEET कुमार। और ये टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट में सिग्नेचर आया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप किसी को भी जो आपको अच्छा फॉन्ट लग रहा है उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है और यहाँ से ड्रॉ है। यहाँ ड्रॉ सेक्शन में आएंगे और आप यहाँ से इस तरीके से आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये ऐसा मैं यहाँ पर नाम टाइप करके दिखा रहा हूँ, तो ऐसा भी आप नाम, ये माउस बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके वो जो पीडीएफ फाइल है उस पर अटैच हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड नंबर में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड सिग्नेचर पे जाएंगे। ये करने के बाद देखिए हमारे पास ये सिग्नेचर है, मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ। बस आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका दाएं साइड में सिग्नेचर आ गया है। अब आप इस पन्ने पे, इस पेज पर आकर आप सिग्नेचर कहाँ चाहिए इसको इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये ड्रॉ हो रहा है सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आ चुका है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिग्नेचर ले आया फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, आप जिस पोजीशन में रखना चाहें आप यहाँ रख सकते हैं बस। और ये करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से डेट भी, यहाँ से देखिए डेट है तो डेट भी आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कोई बात नहीं, अगर डेट नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन करेंगे। यहाँ पर जैसे ही साइन करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल चेंज होगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ से देखेंगे राइट हैंड साइड में ये, इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फाइल है जो डाउनलोडेड फाइल है और नीचे में आप देख सकते हैं साइन यहाँ पे किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ फाइल में डिजिटली साइन को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।